इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश रेल हादसे से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे थे पायलट, मैच देखने के कारण भटका ध्यान अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री का यह बयान सामने आया है। दो ट्रेनों की टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई थी विजयनगरम में। 29 अक्टूबर 2023 को रेलवे का बड़ा हादसा हुआ था, दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थी जिसके बाद 14 लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में हालिया मामला इसलिए हुआ क्योंकि लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट दोनों का ध्यान क्रिकेट मैच के कारण भटक गया था। अब हम ऐसे सिस्टम स्थापित कर रहे हैं जो इस तरह की किसी भी घटना का पता लगा सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पायलट और असिस्टेंट पायलट ट्रेन चलाने का पूरा ध्यान करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश रेल हादसे से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे थे पायलट, मैच देखने के कारण भटका ध्यान अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री का यह बयान सामने आया है। दो ट्रेनों की टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई थी विजयनगरम में। 29 अक्टूबर 2023 को रेलवे का बड़ा हादसा हुआ था, दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थी जिसके बाद 14 लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में हालिया मामला इसलिए हुआ क्योंकि लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट दोनों का ध्यान क्रिकेट मैच के कारण भटक गया था। अब हम ऐसे सिस्टम स्थापित कर रहे हैं जो इस तरह की किसी भी घटना का पता लगा सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पायलट और असिस्टेंट पायलट ट्रेन चलाने का पूरा ध्यान करें।